पाटन विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विजय बघेल ने कहा, मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी ने मुझे कमल छाप सौंपा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी नेतृत्व को पाटन की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता की बदौलत कांग्रेस को पटखनी देंगे। बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल गुरुवार को बिलासपुर संभाग के दौरे के दौरान रतनपुर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने माँ महामाया का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। पुराने हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं और हर हमेशा जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और आज भी मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश नेताओं ने, हमारे पाटन की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह के बदौलत आज जो मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकित किया है, मैं उसके लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और पाटन क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, ये मैं आज की तारीख में कहना चाहूंगा। और बहुत ही संयोग है कि रतनपुर महामाया मंदिर से हम दर्शन करके निकले, पानी भी नहीं पी पाए थे और वहाँ से खबर आई कि मेरा नाम भी पाटन में प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया गया है। पहले मुख्यमंत्री से अब डायरेक्ट टक्कर है आपकी, पहले विधायक खाली थे, अब मुख्यमंत्री से टक्कर हो रही है? नहीं, और तो अब मजा आएगा और मजा इसलिए भी आएगा कि एक ऐसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियां बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और खासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है, बहुत मजा आएगा।